हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिनटेक विशाल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने जाने वाले हैं एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अमेजिंग क्रेडिट कार्ड है जो कि एक्सिस बैंक ने अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया है गूगल पे के साथ टाई अप करके। दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड आपको देता है 5% तक का अनलिमिटेड कैशबैक और भी बहुत सारे बेनिफिट्स। तो इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में जानेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या क्या हैं और कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कैशबैक और रिवॉर्ड्स। तो इस कार्ड में आपको 5% तक का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिल जाता है अगर आप बिल पेमेंट्स करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू गूगल प्ले प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स करते हैं, मोबाइल रिचार्ज या DTH, या फिर इवन अगर आप LIC का अपना इंश्योरेंस प्रीमियम तक पे करते हैं गूगल प्ले प्लेटफॉर्म पर जाकर इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको देखने को मिलता है 5% तक का अनलिमिटेड कैशबैक। जी हाँ दोस्तों, कोई अपर लिमिट नहीं है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन डील है आप लोगों के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको 4% कैशबैक देखने को मिल जाता है अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं फूड वेबसाइट्स के ऊपर, स्विगी और जोमैटो के ऊपर, और साथ साथ ही अगर आप इस कार्ड का यूज करते हैं ओला के ऊपर, तो वहां पर भी आपको इसमें 4% तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में अगर आप गूगल पे के अलावा इस क्रेडिट कार्ड का यूज कहीं किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहां पर आपको 2% कैशबैक देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही कमाल का ऑफर है दोस्तों। अब अगर हम बात करें एडिशनल बेनिफिट्स की और क्या क्या बेनिफिट्स आपको इस कार्ड में देखने को मिलते हैं, तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है दोस्तों, इसमें आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर देखने को मिल जाता है 400 से 4000 की पेमेंट्स के बीच में दोस्तों। तो अगर आप 400 से लेकर के 4000 बीच का तक के वैल्यू का अगर आप पेट्रोल भरवाते हैं, तो वहाँ पर आपको दोस्तों इसमें 1% तक का जो है फ्यूल सरचार्ज वेवियर देखने को मिल जाता है। इसमें जो अपर कैपिंग है वो 500 रुपीज़ तक की है। इसके अलावा दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड का अगर आप यूज़ करते हैं एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स के ऊपर, जो कि ऑफलाइन में है, 4000 प्लस तक रेस्टोरेंट्स हैं, अगर वहां आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं दोस्तों, तो वहां आपको 20% तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है, जो कि एक और बहुत ही बेहतरीन और कमाल की डील है। तीसरा, अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप 2500 रुपये से ऊपर तक का इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर स्पेंड्स करते हैं, तो वहां आप इसे EMI में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी डील है। और लास्टली दोस्तों, अगर आप ट्रैवल करने का शौक रखते हैं, अगर आपको आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं इंडिया में, तो इसमें आपको 4 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप एक साल में कभी भी अवेल कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। तो अब अगर हम कैशबैक और रिवॉर्ड्स में अगर हम ध्यान दें, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली होगी। जैसे 5% तक का जो अनलिमिटेड कैशबैक है वो आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर नहीं मिलता है। जैसे कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से आप वॉलेट रीलोड करते हैं या EMI करवाते हैं, या फिर अगर आप फ्यूल स्पेंड्स के ऊपर इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा भी कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिनके ऊपर आपको इस क्रेडिट कार्ड से कैशबैक नहीं मिलता है। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि इन इन इस टाइप के अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो यहां पर आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। साथ ही दोस्तों, अभी अभी ये क्रेडिट कार्ड रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो एक्सिस बैंक गूगल पे के साथ मिलकर हमें एक वेलकम ऑफर भी दे रहा है, जहां पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को 31 दिसंबर से पहले अप्लाई कर लेते हैं और अगर ये कार्ड आपको मिल जाता है, तो आप ग्रोफर्स और बिग बास्केट के ऊपर इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके 5% तक का कैशबैक ले सकते हैं, जो कि 31 दिसंबर तक के लिए वैलिड है। और हो सकता है दोस्तों कि ये ऑफर जो है वो आगे भी एक्सटेंड हो जाए, तो ये भी एक बहुत ही कमाल की डील है। तो ये थे दोस्तों इस कार्ड के टोटल कैशबैक और रिवॉर्ड्स, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, तो इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी दोस्तों बहुत ही सिंपल है, जैसा कि बाकी सभी क्रेडिट कार्ड्स में आपको एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, वैसा ही इस क्रेडिट कार्ड में है। आपको एक इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, आपकी एज 18 टू 70 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और साथ ही अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, तो आपकी सैलरी जो है वो 20,000 या उससे ऊपर होनी चाहिए अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यही कुछ जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना होता है इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, अगर हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें, जो कि है कार्ड की फीस कितनी है और कार्ड में आपको क्या एडिशनल चार्जेस देखने को मिल जाते हैं, तो दोस्तों जो है इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी जो है वो है दोनों ही 500 रुपीज़। लेकिन दोस्तों, अभी क्योंकि रिसेंटली ही ये कार्ड ऑफर रिसेंटली ही कार्ड ये लॉन्च हुआ है अभी अभी, तो एक्सिस बैंक अगर आप इस कार्ड को 31 दिसंबर से पहले अप्लाई कर लेते हैं, तो एक्सिस बैंक जो है वो आपकी ज्वाइनिंग फीस जो 500 रुपीज तक की है वो वेव ऑफ कर देता है। तो आपको इसमें कोई ज्वाइनिंग फी
नहीं देनी होती है। और दोस्तों अगर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से आप इस पर 2 लाख तक का स्पेंड अगर अचीव कर लेते हैं, एनुअल स्पेंड का जो माइलस्टोन है अगर उसे आप अचीव कर लेते हैं, तो आपको 500 रुपीज़ की एनुअल फीस भी नहीं देनी होती है। दोस्तों वेलकम ऑफर के तहत ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अभी अप्लाई कर देते हैं 31 दिसंबर से पहले, तो आपको 500 रुपीज़ की जो ज्वाइनिंग फी है वो वेव ऑफ हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद 3 मंथ्स के अंदर आपको 10,000 रुपीज़ तक का स्पेंड करना होता है आपकी ज्वाइनिंग फीस को वेव ऑफ करवाने के लिए। दोस्तों अब अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बात करें कि क्या आपको इसमें चार्जेस देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों इसमें ये कार्ड आता है 3.49% की मंथली रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के साथ में, जो कि एनुअली अगर हम इसे काउंट करें तो ये 49% तक का आपको एनुअल इंटरेस्ट देता है। तो दोस्तों अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमें अपने बिल पेमेंट्स टाइम पर करनी चाहिए, जैसा कि आपको पता ही है। अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी आपको हैवी चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप ATM से जाकर कैश विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पर भी आपको चार्जेस देने होंगे। दोस्तों जो सबसे आखिरी पॉइंट है, इस क्रेडिट कार्ड को आपको अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लिंक पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं। आप Amazon की वेबसाइट पर लैंड करेंगे, वहाँ वेबसाइट पर लैंड करते ही आपको अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ आपको अपनी कुछ सिंपल डिटेल्स प्रोवाइड करवानी होती है, जैसे कि अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर। जैसे ही आप ये डिटेल्स एंटर कर देंगे, एक्सिस बैंक के कार्ड एग्जीक्यूटिव आपको फ़ोन करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, जो कि हो सकती है वीडियो KYC के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, या फिर इसके अलावा आपका डोरस्टेप विजिट भी हो सकता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करने के लिए। तो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। इसके साथ साथ ही दोस्तों अभी रिसेंटली इस क्रेडिट कार्ड को आप गूगल पे ऐप के ऊपर भी जाकर आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप देखना चाहते हैं इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एक डिटेल प्रोसीजर कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बारे में। तो दोस्तों ये है मेरा एक फाइनल वर्डिक्ट कि आपको क्या इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बेहतरीन कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, और जैसा कि इसका नाम है इस क्रेडिट कार्ड, ये इस साल के सबसे टॉप नॉच क्रेडिट कार्ड्स में शामिल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट्स में 5% तक का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का बाकी कहीं भी यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको इसमें 2% तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेंड्स के ऊपर। ऐसा मेरी नज़र में कोई भी अभी क्रेडिट कार्ड नहीं है जो कि यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के ऊपर आपको इतना अच्छा कैशबैक देता है। इसकी टक्कर के जो दो क्रेडिट कार्ड्स हैं, को ब्रांडेड कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स, जैसे कि इसी की ही एक्सिस बैंक का ही एक और क्रेडिट कार्ड है फ्लिपकार्ट, वहाँ पर भी जो आपको यूनिवर्सल कैशबैक है वो 1.5% देखने को ही मिलता है। और इसके अलावा अगर आप अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वहाँ पर भी आपको सिर्फ 1% तक का ही यूनिवर्सल कैशबैक देखने को मिलता है। तो इसका जो कैशबैक कंपोनेंट है 2% का, वो बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट्स की भी बात करें तो इसके अलावा जो इसकी टक्कर का कोई कार्ड है इसके सेगमेंट में, यानी कि अगर हम लो एंड सेगमेंट में बात करें, जिन क्रेडिट कार्ड में फीस आपको बहुत कम देनी पड़ती है 500 रुपीज़ या उससे नीचे, तो ये कार्ड सबसे बेस्ट है। इसके प्रीमियम कैटेगरी कार्ड्स ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा कैशबैक दे देते हैं, लेकिन अगर हम इसी सेगमेंट में अगर आप बात करें यूटिलिटी बिल पेमेंट्स में इतने अच्छा कैशबैक देने वाला कार्ड, तो वो शायद एक HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड था, लेकिन उसमें भी आपको 2,000 रुपीज़ तक का है जो मिनिमम ट्रांजेक्शन करना होता है कैशबैक को लेने के लिए। तो जो इसमें ये कोई मिनिमम ट्रांजेक्शन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर आप कैशबैक लेना चाहते हैं, और ना ही कोई अपर कैपिंग है कैशबैक के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी सेविंग्स को इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके। मान लीजिए दोस्तों आप गूगल प्ले प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के 2,000 रुपीज़ तक के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जिसमें आप अपना मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज और इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करवाते हैं, तो 2,000 रुपीज़ तक का भी अगर आप रिचार्ज करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको 5% तक का कैशबैक देखने को मिलेगा, जो कि कन्वर्ट होता है 100 रुपीज़ में। अगर आप साल भर इस क्रेडिट कार्ड का सिर्फ 2,000 रुपीज़ तक के लिए
ही अगर आप यूज करते हैं हर मंथ, तो भी दोस्तों आपको 100 रुपीज, 100 × 12 अगर आप करेंगे तो 1200 रुपीज तक का आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जो कि इसकी एनुअल फीस जो है 500 रुपीज उसको ईजिली कवर कर लेता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जो अपना LIC प्रीमियम पॉलिसी प्रीमियम्स जो है वो ऑनलाइन पे करना पसंद करते हैं, तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं गूगल पे के ऊपर जाकर के अपना LIC प्रीमियम पे करने के लिए, तो वहां पर भी आपको बहुत ही अच्छा कैशबैक देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार क्रेडिट कार्ड है, आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए और 31 दिसंबर से पहले अप्लाई करें दोस्तों, ताकि आपका जो है ज्वाइनिंग फी भी वेव ऑफ हो जाए। मैं अभी एक्सिस बैंक का ही बस क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ, तो मैं इस क्रेडिट कार्ड को मैं भी कुछ ही दिनों में अप्लाई करने वाला हूँ, 31 दिसंबर से पहले मैं इस क्रेडिट कार्ड को ले लूंगा और इसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो और अप्लाई करने का वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आप इस क्रेडिट कार्ड का अनबॉक्सिंग और अप्लाई करने का प्रोसीजर के लिए डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको आपको आप अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड को ले लिया है और अगर आपको इस क्रेडिट कार्ड को गूगल पे से लिंक करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये डिटेल रिव्यू जो है इस क्रेडिट कार्ड का वो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।